आज की परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज की चर्चा का विषय गंभीर भी है और ये ऐसा विषय है जिसके बारे में हम लोगों की शायद अधिक जानकारी ना हो, विशेष रूप से मेरी जानकारी बहुत कम है। और इस विषय के बारे में जो कुछ जानकारी मुझे मिली, जो इस तरफ मेरी रुचि को उत्पन्न किया, वो स्वयं जो हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री नीरज अत्री जी हैं, उन्होंने ही किया। और जितना कि मैं इस विषय को पढ़ पाया, देख पाया, सूचना एकत्रित कर पाया, उससे तो ये खतरा और इससे उत्पन्न जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को सजग होना तो बहुत ही जरूरी है। और इस विषय को और सजगता तभी उत्पन्न होगी जब हमें इस विषय का विस्तार पूर्वक पता हो, प्रमाणिक रूप से इस विषय को हम जाने कि किस तरह से, कहां कहां, किस किस संस्कृति को, किस तरह की भाषा को, किस तरह के व्यवहार को ये लोग प्रभावित कर रहे हैं। इस सारे विषय को समझने के लिए आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में श्री नीरज अत्री जी, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज पंचकुला में, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं और उनके साथ हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उनका परिचय कराने से पूर्व मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि हम विशेष रूप से जो संस्कृत पृष्ठभूमि से हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनका ये दायित्व बनता है कि वो दोहरा दायित्व बनता है कि वो दो विषयों को जरूर जाने। अपने विषय को तो वो जाने ही जाने, संस्कृत को तो जाने ही जाने, लेकिन संस्कृत के साथ साथ वो जो अन्य विषय हैं जो हर तरह से या तो तलवार की तरह संस्कृत पे आक्रमण करते हैं, या जब संस्कृत की ओर से उनके ऊपर कभी हम आक्षेप करते हैं तो वो ढाल के तौर पे अपने विषय को प्रयुक्त करते हैं, तो उन विषयों को वो जानना समझना बहुत जरूरी है। तो संस्कृतज्ञ की दोहरी जिम्मेदारी जो है, दायित्व तो है, उसको वो अवश्य समझें। और आज ऐसे ही एक विषय को हम समझने जा रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व ये देख लें कि हमारी आधार भूमि क्या है, किस आधार पे खड़े होकर के हम इस सारे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। और उससे भी पूर्व उससे उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं, जो उससे उत्पन्न होने वाले भय हैं, उनकी प्रतिक्रिया करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ये मैं विशेष रूप से आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। तो जो वोक और वोकवाद है, सामान्य रूप से ये शब्द हमें, हम सभी इससे परिचित होंगे, लेकिन परिचित इस अर्थ में होंगे जागने के अर्थ। लेकिन ये शब्द किस तरह से प्रयोग में आया 2010 में, और किस संदर्भ में इसको प्रयोग किया गया कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके संदर्भ में प्रयोग हुआ, लेकिन वो फैलते फैलते कहाँ तक कैसे चला गया, उस सारे विषय के ऊपर आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्दी से बात करूँगा। तो वोक एंड वोकिज्म, ये दो शब्द हैं जिसके बारे में नीरज की बात करेंगे, लेकिन संस्कृत शास्त्रीय पक्ष के की दृष्टि से मैं आप लोगों के साथ दो तीन बातें कर लूँ। देखिए, वोक कल्चर के प्रति जो सबसे पहले हमें जानना है, शास्त्र ही हमें कहता है, लेकिन हम संस्कृत के पिछले 70 वर्षों में कभी सावधान हुए नहीं। शास्त्र हमें बार बार कहता रहा है कि उत्थाय उत्थाय बोधव्यम महत भयम उपस्थितम, मरण व्याधि शोकानाम किमत्य निपतिष्यति, कि अरे बार बार उठ करके जानो, देखो कि बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया है, ऐसा जान लेना चाहिए, क्योंकि मरण, आपत्ति और शोक, इनमें से कौन सी मुसीबत आज पड़ जाएगी ये हम नहीं जानते। तो शास्त्र आपको निरंतर सजग होने के लिए, सावधान होने के लिए कहते हैं। और फिर अगली ही पंक्ति में वो ये भी कह देते हैं, तावत भय से भेतव्यम यावत भयम अनागतम, भाई भय से तब तक डरना चाहिए जब तक वो आया नहीं, लेकिन जब आ गया है, आगतम तो भयम वीक्ष, जब भय आ गया है तो कुरियात यथोचितम, जो करने योग्य कार्य है वो करना चाहिए। लेकिन पिछले 70-75 वर्षों में हम लोगों ने जो करने योग्य कार्य है उसमें हमने संकोच किया है, उसको हमने उचित रूप से नहीं किया, और जैसा कि आज आप देखेंगे भी, इस बात को समझेंगे। अब दूसरी तरफ जब भी हम संस्कृत के लोगों के सामने कोई विषय रखते हैं तो तुरंत हमारे सामने कुछ सूक्तियां याद आ जाती हैं, मंत्र याद आ जाते हैं,
जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहित। कि जैसे ही आप वोक शब्द को सुनेंगे तो हम तुरंत यजुर्वेद के मंत्र की ओर चल पड़ेंगे कि भाई हम तो राष्ट्र को जगाने वाले पुरोहित लोग हैं, तो हम उस अर्थ में लेंगे। लेकिन ये अर्थ उस वोक के अर्थ से नितांत भिन्न है जिस अर्थ में आज वोक प्रयुक्त हो रहा है, और जिस अर्थ में हम जागरियाम पुरोहिता होना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, वो नितांत एक भिन्न पृष्ठभूमि है, आधारभूमि है। और इसी तरह से फिर शास्त्र हमें बार बार प्रेरित करते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य विराम निबोध, कि उठो जागो, और जब तक ध्येय लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक रुको मत। लेकिन हमें पता ही नहीं कि ध्येय लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और उस स्ट्रेटजी कैसे प्रभावी बने, इसके लिए हमने प्रयास नहीं किया। तो एनीवे, अब इसमें से चुनाव आपने करना है कि ये जो आपके सामने चुनौती चुनौती आई है वो कल्चर की, जिसमें वोक एक्टिविस्ट बहुत सारे हैं, बहुत तरीके से हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स को भी प्रभावित किया है, कल्चर को प्रभावित किया है, आपकी एजुकेशन को प्रभावित किया है, इवन सो फॉर सो हेल्थ केयर को उन्होंने प्रभावित कर दिया है, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ अगले एक आध स्लाइड में शेयर करूंगा। तो ऐसी वोक कल्चर के प्रति या तो आपका ये रिस्पॉन्स हो सकता है यत भविष्य वाला, ये कहानी आपने पंचतंत्र की हितोपदेश की पढ़ी होंगी, जहां पर है वो मछली को लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, तो जो होगा देखा जाएगा वाला तो है, वो मृत्यु को ही प्राप्त होगा, नष्ट होगा। या फिर आपके पास चुनाव है कि आप अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मति की तरह जो आप व्यवहार करें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, आने वाले भय को समझें और तदनुकूल स्ट्रेटजी बनाएं, या अगर वो बहुत करीब आ गया है भय, तो आप प्रत्युत्पन्न मति मछली की तरह तुरंत कोई ना कोई उसका काउंटर करने का उपाय सोचें। तो इस ये सावधान करने के लिए था, आप लोगों को जागरूक करने के लिए है कि भोग का मतलब आप संस्कृत के संदर्भ में मत समझेगा, ये भोग कुछ और ही है। क्या है उसके विषय में चर्चा करने के लिए हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में श्री नीरज अत्री जी, जो कि चेयरमैन है नेशनल हेड फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज, और विशेष रूप से वो इस बात के लिए जाने जाते हैं, और अगर आप उनके यूट्यूब देखें तो आपको 1 लाख से ऊपर उनके फॉलोअर्स मिलेंगे। तो यानी कि आप समझें कि वो कितने प्रभावी अपने विषय में होंगे और कितने सुंदर तरीके से और तार्किक तरीके से विषयों को प्रस्तुत करते होंगे, जिसकी वजह से उनकी इतनी फॉलोइंग है। और मैं ये भी बताने में मुझे अच्छा लग रहा है कि वो वस्तुतः फिजिक्स के अध्यापक हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन पिछले 30 वर्षों से उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन, अपना टाइम, मनी, एनर्जी भारतीय इतिहास में किए जाने वाले जो गलत सूचनाएं थी, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन थी, उन सबको उन्होंने चुनौती दी, बड़ी सफलतापूर्वक चुनौती दी, और जो एक ठीक इतिहास है उसको उन्होंने प्रस्तुत करने में बहुत बड़ा जो सराहनीय काम किया है। और उसका एक प्रमाण ये जो आप उनकी पुस्तक देख सकते हैं ब्रेन वॉश रिपब्लिक, इसमें आपको ऐसे 50 प्रमाण मिलेंगे जहां आरटीए के माध्यम से एनसीईआरटी से सीबीएसई से मांगा गया कि आपने ये पंक्तियां जो लिखी हैं अपनी पुस्तकों में वो कहां से ली हैं, उसके आधार क्या हैं, और सीबीएसई ने जो जवाब दिए हैं वो भी आप देखेंगे तो कोई उनके पास प्रमाण नहीं है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इन चीजों का कोई प्रमाण नहीं। तो सजेस्टिव हिस्ट्री के माध्यम से जिस तरह से हमारा ब्रेन वॉश किया गया है, उसकी वजह से इस ब्रेन वॉश रिपब्लिक पुस्तक को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने इस विषय पर बहुत काम किया है, और हिस्ट्री का जो सिलेबस है हरियाणा में उसको रीफ्रेम करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो इससे पूर्व कि वो अपनी बात शुरू करें, मैं कुछ बातें जैसा कि मैं आपसे साझा कर रहा था कि हम अपनी पृष्ठभूमि आधार भूमि स्पष्ट कर लें कि हम किस आधार पे खड़े होकर के कैसे इस सारे विषय को देखें और समझें, क्योंकि इन लोगों की बातें बड़ी लुभावनी, बड़ी सुंदर और सहज हैं, और हमें लगेगा कि ये तो ठीक ही कह रहे हैं, तो उससे इन्फ्लुएंस ना हो। तो इसलिए संस्कृतज्ञों के लिए वो एवं वोकवाद को देखने, समझने और मूल्यांकन करने की जो आधार भूमि है वो आपको गीता के 41वें श्लोक से लेकर के 45वें श्लोक तक मिलती है। और विशेष रूप से इसमें अगर आप ये देखें जो ये 42 और 43 श्लोक है,
और इंग्लिश ट्रांसलेशन ज्यादा उपयुक्त मुझे इसमें लगा, वो मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। दोज विद लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग गेट अट्रैक्टेड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास। यहाँ वेद आप वो को रिप्लेस कर लीजिए या जानने के अर्थ में क्रिया रूप में ले लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। विच एडवोकेट्स ऑस्टेंटेशियस रिचुअल्स फॉर द एलिवेशन टू द सेलेस्टियल एबोड्स एंड प्रिज्यूम नो हायर प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब्ड इन देम। दे ग्लोरीफाई ओनली दोज पोर्शंस ऑफ वेदास दैट प्लीज देयर सेंसेस एंड परफॉर्म पॉम्पस रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज फॉर अटेनिंग हाई बर्थ ऑपुलेंस सेंसुअल एंजॉयमेंट एंड एलिवेशन टू द हेवनली प्लैनेट्स। ये मैंने केवल आपको बीच के श्लोकों का एक अर्थ बताया है, ये हमारी आधारभूमि होगी जिसके आधार पर हम इस वोकवाद को या वोक को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो वोक है, जो लोग आप में से जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ साझा किया कि ये जो टर्म वोक शुरू हुई थी, ये सिस्टमैटिक एक एफर्ट थी जो सिस्टमैटिक इनजस्टिसेस पर्टिकुलरली रिलेटेड टू रेस एंड एक्टिवली वर्किंग टू चैलेंज द एंड डिसमेंटल दोज सिस्टम्स। ये वहां से एफ्रो अफ्रीकन एफ्रो अमेरिकन चीजों के साथ इसके संदर्भ में शुरू हुई और 2010 में एक गाने के माध्यम से इसका बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी हुई और फिर वो धीरे धीरे विस्तार करते करते वो बहुत सारे विषयों को समाज के विभिन्न भागों को प्रभावित करती चली गई। मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उस सारे विषय के ऊपर डॉक्टर साहब बात करेंगे, तो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह के प्रतिबंध का वो विरोध करते हैं और वैसे बात सहिष्णुता की करते हैं लेकिन अपनी बात के में वो बड़े असहिष्णु हो जाते हैं, किसी मर्यादा को वो स्वीकार नहीं करने चाहते। तो ये सब बातें आप यहाँ पर देख पाएंगे और समझ पाएंगे और फिर उसके बाद हम अपनी अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। और ये वस्तुतः जब आप इस सारे वोक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप देख पाएंगे, ये जो आप नीचे सर्कल देख पा रहे हैं क्या कहते हैं कि वी डिमांड टू बी इंक्लूडेड इन योर स्पेस टू मेक इट मोर डाइवर्स एंड इंक्लूसिव। जितनी एलजीबीटी आदि हैं वो सारे के सारे इसी तरह की बात करते हैं, वो हमारे स्पेस में आना चाहते हैं। वी डिमांड यू चेंज दिस स्पेस टू अवर लाइकिंग एंड बैन स्टफ दैट ऑफेंड्स अस। ये सेकंड स्टेज इसमें आती है। थर्ड स्टेज में वो क्या करते हैं, वी डिमांड यू बी किक्ड आउट ऑफ दिस स्पेस We created since you offended us। ये उनकी असहिष्णुता इस तरह से हमारे सामने आती है और फिर जो है उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से वो सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं कि लॉल इफ यू हेट अस वाई नॉट जस्ट मेक योर ओन स्पेस। तो आपके ही टेंट में आकर के अरबी ऊंट की तरह आपको ही बीच में से निकाल देते हैं और वो स्वयं वहां पे स्थापित हो जाते हैं। और ये ही हुआ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जितनी भाषाएं हैं उनको बदल रहे हैं। जैसे मेनोपॉज को लेकर के वो क्या कहते हैं, ये सामान्य रूप से आप प्रयोग करते हैं और वो गलत इसको कहते हैं, द मेनोपॉज इज व्हेन वुमेन स्टॉप्स हैविंग पीरियड्स। और वो करेक्शन कैसे करते हैं, मेनोपॉज इज व्हेन योर पीरियड स्टॉप। और इसी तरह से आप अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग को देखें और ब्रेस्ट मिल्क को, तो वो उसको चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं चेस्ट फीडिंग एंड वुमेन मिल्क से। तो इस तरह से ये सारी की सारी शब्दावली को वो परिवर्तित करते जा रहे हैं और हमारे सारे व्यवहार के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, आप देखें कि बहुत सारा साहित्य बाजार में आने लग गया है और वो बच्चों से लेकर के एडल्ट लेवल तक का सारा साहित्य हमारे सामने आने लग गया है। मैंने किसी साहित्य को अभी इसमें से पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने देखा कि जो फेमिनिस्ट बेबी टाइप जो कॉमिक्स हैं वहां से वो शुरू होते हैं और कहां तक वो जा रहे हैं, व्हाई आई एम नो लॉन्गर टॉकिंग अबाउट रेस ईटीसी, ये यहां तक के नॉवेल्स आ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये वो की एक तरह का आप चित्र देख सकते हैं, व्यवहार देख सकते हैं जिसमें जो है वो न मनुष्य न स्त्री और अजीबो गरीब सी वो परिस्थितियां हमारे लिए पैदा कर रहे हैं। अजीबो तरीके के जो हैं, बिल्कुल अद्भुत प्रकार के जो हैं चरित्रों को वो हमारे सामने ला रहे हैं और वो क्या भविष्य में मनुष्यता को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं बाकी चीजें अभी नहीं पढ़ रहा,
और केवल एक आखिरी बात बता करके मैं, कि आप ये देखिए कि ये इतने सारे देश हैं जो इससे प्रभावित होते जा रहे हैं, बहुत सारे देश प्रभावित हो चुके हैं और आगे होते जा रहे हैं, और इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस सारे वो के प्रभाव को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से भी आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपकी भाषा के स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं, आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, और आपको पता ही नहीं लग रहा। तो चलिए, मैं अब आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य वक्ता श्री नीरज अत्री जी को, और उससे पूर्व ये मैं बताना चाहूंगा और एक्नॉलेज करना चाहता हूं, श्री डॉक्टर राहुल खट्टे जी जो पुणे से हैं, उन्होंने कुछ इसकी समरी बना करके हमारे साथ साझी की है, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं संस्कृत शास्त्रीय दृष्टि से, कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव धर्म, उसकी उसकी बात उन्होंने की है, और सत्य और अहिंसा के आधार पर हमें इसको चुनौती देनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट के मनन के आधार पर आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल आइडेंटिटी, आत्मन जिसे कहते हैं, और इसी तरह वेराइटी ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, पुरुषार्थ और डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, इन सब चीज़ों के ऊपर आधार पर उन्होंने इस वोक को चुनौती देने की बात सुझाई है। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस सारे विषय के ऊपर अपनी बात हमारे साथ साझी की है। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो इस सारे विषय के ऊपर नीरज जी हमारे साथ चर्चा आरंभ करें और हमें ये बताएं कि ये सारे विषय का कितना गहरा और व्यापक प्रभाव हम सब पे पड़ा है और कैसे हम इस विषय के बारे में सजग हुए। जी नीरज जी से पहले एक आपने किस अध्याय का रेफरेंस दिया था श्लोक के? दूसरे ठीक है सर, दूसरे हाँ थैंक यू सर, थैंक यू जी। नीरज जी आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? जी जी मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। जी आप शेयर कीजिए। जी सभी को नमस्ते। और डॉक्टर साहब ने जब ये बात शुरू की है तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं जिससे कि मेरा काम आसान हो जाता है। और मैं डॉक्टर साहब की उस वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने कहा कि इन सब की जो शब्दावली होती है, शब्द बड़े अच्छे अच्छे होते हैं इनके, लेकिन उन अच्छे अच्छे शब्दों के पीछे समाज को तोड़ने का एक सिस्टम बनाने का प्रयास किया जाता है। तो वो किन की ओर इशारा कर रहे थे? जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, वामपंथ, या उसे आजकल कामी वामी भी बोला जाता है, कि ये लोग जो हैं इनकी स्मार्टनेस इसी में है कि इन्होंने सदा ही बहुत सुंदर शब्दों को यूज़ किया और उन शब्दों के माध्यम से एक नैरेटिव बनाते हैं, और फिर उस नैरेटिव की सहायता से जो उनका लक्ष्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जब ये शब्दावली बनाई जाती है, जब वो थ्योरी या सिद्धांत बनाया जाता है, तो बड़ा आकर्षक लगता है वो, विशेष रूप से अगर हम उसको डीपली नहीं देखते, उसको एनालाइज नहीं करते, उसकी मीमांसा नहीं करते, तो सब बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम जब कॉलेज के दिनों में थे, और मुझे लगता है कि आप भी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने वैसा ही अनुभव किया होगा, कि हमें बताया जाता था कि अगर सबको समानता मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, सबके अधिकार समान हो, सबको एक जितनी भूमि मिल जाए, सभी को एक जैसे रिसोर्सेज मिल जाएं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकलिटी पे जाते हैं उस समय समझ में आता है कि इनके अंदर इतने बड़े बड़े लूप होल्स हैं कि प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करना शायद संभव ही नहीं हो सकता था। तो वो जो रशियन रेवोल्यूशन के साथ एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, फिर वो चाइना में माओ ने किया, वो सारे आज फेल हो चुके हैं। लेकिन जो सत्ता की भूख होती है, जो शक्ति की भूख होती है, वो कभी शांत नहीं होती। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अगर एक उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो उसे चेंज कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वायरस का इलाज करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वो अपनी शेप को, अपनी फॉर्म को, अपनी केमिस्ट्री को बदल लेता है, वो म्यूटेट होता रहता है।
तो ऐसे ही जिसे हम एक लूज टर्म है वामपंथ, एग्जैक्टली इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हम, जो इस तरह के लोग हैं जो सत्ता लोलोप हैं, जो किसी भी प्रकार से सत्ता हथियाना चाहते हैं, और उसका जो उन्होंने रूट चुना होता है वो होता है कि समाज को तोड़ के अपने आप को सत्ता अपने लिए हथियार लेना, उसका प्रयास करते हैं ये अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं। जैसे जब कम्युनिज्म फेल हुआ तो एक कल्चरल मार्क्सिज्म लेके आए, और उसी का जो आज वाला रूप है वो आप पाएंगे, जिसे आज हम वोक कल्चर या वोकिज्म कहते हैं, वो वहाँ पर है। जब डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें थ्रेट कहाँ पर है, तो मेरा मन तो रहा था तभी इन्हें पूरा बताऊँ, लेकिन मुझे लगा कि डॉक्टर साहब मेरे लिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं कि मैं यहाँ पर लाइव सारी कुछ बात करना चाहूँगा। कि अब डॉक्टर साहब बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और बड़े अलर्ट अवेयर रहते हैं, तो जब उन्होंने बात बोली कि मुझे इसकी ग्रेविटी समझ में नहीं आ रही, तो अपने आप में मेरी इस बात का वैलिडेशन था कि जो खतरा है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है हमारे लिए, कि युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, और ऐसे ले रहा है कि जो युवा वर्ग के नहीं है उससे लगभग कटे हुए, वो समझ ही नहीं पाते या अनभिज्ञ रह जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी इतनी सारी लेयर्स हैं, इतनी सारी परतें बनी हुई हैं, और वो प्रतिदिन एक नई लेयर जोड़ देते हैं उसमें। तो डॉक्टर साहब, मैं इसे अगर प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में ले आए तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा आप इसका संदर्भ और स्पष्ट कर दें कुछ एक स्लाइड्स के साथ, तो फिर हम चर्चा में इसको ले लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। उसमें फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ एक दो प्रश्न में आप सभी लोगों से ही पूछ लेता हूँ। अच्छा, एक मिनट, मुझे वो शेयर करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। जी जी, नीरज जी जी, थोड़ा सा ये वो जो शब्द है इसके इलैबोरेट कर दीजिए फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि ये शब्द है क्या, इसका उद्भव कैसे हुआ और क्या इसकी डायमेंशंस हैं वो जी जी, मैं समझ गया। डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा टच किया था इसमें, एटिमोलॉजी में, एटिमोलॉजिकल रूट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला कि शब्द कहाँ से आया था, लेकिन फिर भी मोटा मोटा ये है कि जो डॉक्टर साहब ने इतने सारे संदर्भ दे के हमें बताया कि हमें हमारे जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, वो सब बताते हैं कि सजग रहने की आवश्यकता, तो कुछ कुछ उसी के पैरेलल चलता है कि यू शुड बी अवेक, अवेक से आ गया इन अ वोकन स्टेट, इन वोक स्टेट के जगे हुए रहना है। तो वो जो इन्होंने एक लोगों में ये डालना शुरू किया कि अगर आप अपने आसपास की बुराइयों के प्रति सजग हैं तो आप वोक हैं, तो वो इसका उद्भव वहाँ से होता है। लेकिन मैंने क्यों कहा कि शब्दों की, शब्द की या उसकी एटिमोलॉजी की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स, तो जो डिटेल है उसकी, जो उसकी एप्लीकेशन है, वो हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं उसकी ओर लेके चलता हूँ आपको। डॉक्टर साहब, ये मुझे शेयर करना है, एक PPT है मेरे पास, कैसे शेयर करूँगा? आप PPT आप कर लीजिए, आप डॉक्टर साहब को फॉरवर्ड कर दो, वो शेयर कर लेंगे। नहीं नहीं, वो उनको मालूम है। नीरज जी, बस जहाँ आपने ये नीचे एरो के ऊपर क्लिक किया था जी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक आ गए थे, आप स्क्रीन दिखाई दे रही थी, लेकिन पहले आप PPT खोल लीजिए। खुली हुई है? हाँ, बस फिर उस पर क्लिक कर दीजिए। अभी जब मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, हाँ जी हाँ, अलाउ टू शेयर स्क्रीन या अलाउ टू शेयर विंडो करूँ? स्क्रीन कर लीजिए। ठीक है जी, और फिर उसके बाद वो नीचे जो है शेयर, नीचे एक और ऑप्शन लिखा होगा। हाँ, शेयर दिस स्क्रीन आ रहा है अब। हाँ जी, हाँ जी, बस कर दीजिए। हाँ जी, बस हो गया। परेशानी कैसे आ रही है? ठीक है जी, दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ये जो अब आपको आपके सामने दिख रहा है, दे रहा सॉरी नहीं तो नहीं दे रहा
देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है एक हट्टा कट्टा व्यक्ति है, बॉडी बिल्डर है, कनाडा का फोटो है, इनका नाम है अवी सिल्वरबर्ग, और इन्होंने अपने इस इवेंट में पावर लिफ्टिंग का इवेंट था ये, जिसमें इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि इन्होंने 167 केजी का बेंच प्रेस किया था। मुझे एक मिनट का समय देंगे जी, कोई आ गया है, व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। वो शब्द जो है वो स्लैंग है बेसिकली जी। और जी, और जब ये मूवमेंट चला था ब्लैक लाइव्स मैटर, ये मूवमेंट चला था तो उस में ये सारी चर्चा वहां से शुरू हुई है, शुरुआत वहां से है इसकी जी। ये कब चला था, कहां चला था? ये 2010 से पहले की बातें हैं, मतलब 2010 में तो ये शब्द एस्टेब्लिश हो गया था और एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, गाने का वो बोल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें ये वो शब्द जो है वो उभर के सामने आया और वहां से फिर ये फैलता चला गया। पॉजिटिव कनोटेशन है या नेगेटिव? नहीं 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 नहीं, वो तो सारा जड़ें उखाड़ने वाला काम है जी। अभी समझ जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो यहाँ पर इन्होंने बेंच प्रेस किया 167 केजी का, और जो रिकॉर्ड तोड़ा है, पिछला रिकॉर्ड इससे 45 किलो कम का था, 122 किलो का था। अब जनरली स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जब रिकॉर्ड टूटता है तो मार्जिन 0.1% से लेकर 2.5% मैक्सिमम होता है, क्योंकि बड़ी कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% का मार्जिन है। उसका कारण क्या है कि इस व्यक्ति ने जो ये चैंपियनशिप जीती है उसका टाइटल था वुमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो ये आपको किस एंगल से वुमेन दिखाई दे रहा है वो आप अपने आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये होना चाहिए कि ये वहां पर कम्पीट कैसे कर रहा है, और ये उसी इवेंट का फोटोग्राफ है। उसका कारण ये है कि इस वोक आइडियोलॉजी का एक एलिमेंट है जिसमें उनका कहना है कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं वो आप हैं। अब जो आप सोचते हैं वो कभी किसी को आपके मन के बाहर तो दिखाई नहीं देने वाला, भौतिक तो वो है नहीं। तो ये व्यक्ति वहां पर जहाँ इवेंट हो रहा था वहां जाता है और उन्हें कहता है कि मैं अपने आप को एक महिला समझ रहा हूँ, इसलिए मुझे पार्टिसिपेट करने दिया जाए, और उसे पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, और उसका परिणाम है कि वो 167 केजी की बेंच प्रेस मार के गोल्ड मेडल लेके घर आ जाता है। दूसरा एग्जांपल ये है, एक स्विमर है जो अपनी कैटेगरी में कभी भी पहले 400 रैंक्स में भी नहीं आया, लेकिन फिर जब इसने अपने आप को ये कहना शुरू किया कि महिला है, उसके बाद अब पिछले जो एक वर्ष में इसने जितने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है उन सभी में पहली 3 पोजीशंस में रहता है, या अब बोलेंगे रहती है। तीसरा एग्जांपल ये है आपके सामने, 2 कॉम्पिटिटर्स हैं वुमेन एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में, सेलाइन प्रोवोस्ट और एलेना मैकलाफिन। कौन जीतेगा इसमें से, क्या गैस है आपका? बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। राइट हैंड वाला जीतेगा। ओके जी, लेकिन अगर एक कॉम्पिटिटर ये हो तो कौन जीतेगा? फिर तो यही जीतेगा, बिकॉज ही इज अ बॉय। हाँ जी, अब ये जो बीच में है और जो राइट हैंड साइड पे एलेना है, वो दोनों एक ही व्यक्ति है। तो जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस का फौजी था, और ये जाता है मिक्स मार्शल आर्ट्स में शेव करके, और ये कहता है कि मैं वुमेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, और फिर वहां से गोल्ड मेडल लेके आ जाता है। ये कुछ एग्जांपल थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे, सांझे करने थे। इसमें बोल सकता हूँ बीच में? जी हाँ बोलिए। ये फिजिकल सर्जरी वगैरह करवा के
फीमेल बनते हैं, क्योंकि इनका मेडिकल भी तो होता होगा ना कि जी, मैं उसी पे आने वाला, मैं अब वही बताने वाला आपको कि आप शब्द सुनते होंगे एलजीबीटी, या जब हम कॉलेज टाइम में थे तो हम केवल लेस्बियन और गे सुनते थे, या एक शब्द होता था क्वीर, QUEER, और क्वीर में एक नेगेटिव कॉनोटेशन होती थी, उसे पेजोरेटिवली यूज किया जाता था कि क्वीर है, यानी ये अजीब है, ये विचित्र है, कि लड़का है तो लड़की जैसा, लड़की है तो लड़के जैसा व्यवहार करता है। अब उसे मेन स्ट्रीम कर दिया गया, तो आज जब आप LGBTQAA++ पे जाते हैं तो उन्होंने इस तरह की लगभग 170 शब्द और क्रिएट कर लिए हैं, और उन सब के जब आप मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो वैसे तो हंसी आनी चाहिए, लेकिन इतना गंभीर विषय है कि उस पर चिंता अधिक होनी चाहिए। जो आपका प्रश्न था मैं उस पर आता हूँ, जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये सारे वोक की अलग अलग डेफिनेशंस में आते हैं, जैसे मैंने 172 बोले, तो यहाँ पर क्योंकि समय की मर्यादा इसलिए मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता। पहला जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक दाढ़ी वाला 6 फुट का आदमी जाता है, 6 फुट 4 इंच का आदमी, और वो बोलता है कि मैं महिला हूँ और मुझे पार्टिसिपेट करना है। वहाँ उनका कहना है कि जो आप फील करते हैं आप वैसे हैं, तो पार्टिसिपेट कर लीजिए। फिर दूसरा जो है, जो मैंने दूसरा आपको एग्जांपल दिया जहाँ पर स्विमर था, वो अपने आप को बायोलॉजिकली चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो जननांग हैं उनका, उनकी सर्जरी कराई जाएगी, ऑपरेशन करवाया जाएगा, जिसे ये बोलते हैं जेंडर रीअसाइनमेंट या जेंडर रीअफर्मेशन। अब इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसे है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, अब इनकी थ्योरी में थ्योरी बताने वाला हूँ कि जब बच्चे का जन्म होता है जो, तो जो भी वहाँ पर डिलीवरी कर रहा है वो कोई दाई हो सकती है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो नर्स हो सकती है। अब हमें पता है कि उन्हें बहुत सारा अनुभव है और समाज को अपना अनुभव है कि बच्चे ने, लड़के ने जन्म लिया है या लड़की ने जन्म लिया है, और कहीं कहीं अपवाद रूप से जिन्हें हम किन्नर बोलते हैं, कभी कभी वैसा जन्म हो जाता है। तो तीनों स्वीकारे हैं हमारे समाज में कि ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। अब इन्होंने क्या खेल खेला, मैं उस पर आता हूँ। इनका कहना है, या खेल से भी पहले, जब कोई भी बच्चा तरुण अवस्था में आने लगता है तो उसके अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, तो बच्चा अपने शारीरिक संरचना को लेकर, अपनी जिसे हम शब्द बोले सेक्सुअलिटी को लेकर, वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, या कंफ्यूज नहीं होता तो उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। जैसे मुझे ध्यान है जब हम छोटे छोटे थे, शायद 8-10 साल के थे, तो हम गली में रामलीला क्या करते थे, बच्चे मिल जाते थे, एक छोटा सा पर्दा लगाया और आपको किसी ने राम किसी ने रावण बनना शुरू कर दिया, और अब कोई जब फीमेल कैरेक्टर प्ले करेंगे तो लिपस्टिक लगा लेंगे। तो एक लड़का था हमारी गली में जो कभी कभी उसने लिपस्टिक लगा लिया या उसने चुन्नी ले ली, तो मैंने उसे देखा तो मैं भी करने लगा, मेरी माँ ने मुझे डांटा, ये तू क्या कर रहा है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसे समझा दिया होगा कि तू ये जो लगा रहा है ये तेरे लिए जो पुरुष सुलभ व्यवहार है वो ऐसा नहीं होता। ऐसे ही हमारे परिवार में एक बच्ची थी मुझसे कोई 8-10 साल शायद छोटी होगी, जब मैं कॉलेज में था तो हमारी फैमिली में एक फंक्शन था, तो वहाँ वो आई हुई थी, तो उसने पैंट शर्ट पहना था, कटे बाल थे छोटे, तो दूर से देखेंगे तो लड़का ही लगती थी, पर क्योंकि हमारा थोड़ा सा दूर का संबंध था तो मैं उसे पहली बार वहाँ पर देख रहा था, तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि लड़का है। तो मैंने अपनी एक बहन है मेरी कज़न, उससे पूछा कि कौन है लड़का, तो उसने एकदम से मुझे चुप कराया, कहते चुप कर, इसे लड़का बोलेगा तो बुरा मान जाती है और ये उनकी बेटी है। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन वो फंक्शन में थे, बिजी थे, तो बात आई गई होगी। अब कोई 10-11 साल पहले फिर कोई फंक्शन था, तो वहाँ पर मैं उससे मिला, तो वो विवाहित है, बहुत सुंदर महिला है, और उसके अपने 2-3 बच्चे, भरा पूरा परिवार है।
अब ये हमें क्या बताता है कि बचपन में हम कई तरह की सोच से प्रभावित होते हैं, कई तरह के व्यवहार करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम सीख जाते हैं, समाज में अपनी जो स्थान है वो हम समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वोक आइडियोलॉजी क्या बोलती है उस पे आते हैं। उनका कहना है कि ये वाली जो स्थिति है, जब बच्चा जरा सा भी भ्रम की स्थिति में है, कंफ्यूजन में है, तो उसके लिए उन्होंने एक टर्म कॉइन कर दी, उसे बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। और उनका कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो बच्चा है वो अपने जेंडर के को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा नहीं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है वो उसी बच्चे के पास है। कि यदि उस बच्चे को, मान लीजिए वो लड़का है, उसे लग रहा है कि वो लड़की है, तो उसका आकलन ठीक है, क्योंकि वो अपने बारे में आकलन करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उसे अपने बारे में सब पता है। और यदि वो लड़की है और उसे लग रहा है कि वो लड़का है, या लड़के जैसे व्यवहार में उसकी कुछ रुचि है, या उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी, कोई ऐसा एक्शन कर दिया, कोई ऐसा व्यवहार कर दिया जो लड़के वाला है, तो उनका कहना है कि हो सकता है कि तुम लड़का हो। अब इसमें उन्होंने फिर आगे एक स्टेप और आगे जाते हैं, उनका कहना है कि जेंडर और सेक्स दो अलग अलग चीजें हैं, और इसे स्थापित करने के लिए उनका कहना है कि उन्होंने जो शब्द कॉइन किया, जो फ्रेज कॉइन की, वो है जेंडर असाइंड एट बर्थ। जब आपका जन्म हुआ उस समय आपको क्या जेंडर असाइन किया गया। अब इसकी बदमाशी पे आते हैं, जो मैंने शुरू में बोला कि जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर या दाई या कोई भी जो महिला जो कर रही है, जो प्रसव जिसने करवाया है, वो देखते ही बता देती है कि आपको लड़का हुआ, आपको लड़की हुई। उसमें कोई ये रैंडम प्रोसेस नहीं होता कि असाइन किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि जब कोई व्यक्ति को सजा होती है, उसे जेल में लेके जाते हैं, तो वो एक कैदी बन जाता है, कैदी का एक नंबर होता है, कैदी नंबर 311, तो वो नंबर उसे असाइन किया जा रहा है, वो तो रैंडम प्रोसेस है। वहां बोल सकते हैं कि नंबर असाइंड टू दिस पर्सन इज 311, लेकिन जब जेंडर की बात आ रही है तो वो रैंडम प्रोसेस नहीं होता, वो डॉक्टर, नर्स, दाई, महिलाएं, उनका जो एक्यूमुलेटेड विजडम है, जो समाज का सहज बोध है, वो बता देता है कि ये बच्चा क्या है। लेकिन वोक आइडियोलॉजी की स्मार्टनेस ये है कि वो शब्दों के साथ खेलना बड़ा अच्छा जानते हैं, तो उन्होंने बोल दिया जेंडर असाइंड एट बर्थ, कि तेरे बर्थ पे जेंडर असाइन हो गया था, लेकिन ये तेरा असली जेंडर नहीं है, असली जेंडर अब तुझे समझ में आ रहा है जब तू 7 साल का 8 साल का या 10 साल का हुआ है। अब इसमें भी लगता है कि यार इसमें खतरा क्या है, खतरा तो कोई नहीं है, वो समझ जाएगा। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए कि कोई बच्ची है 10 साल की 11 साल की, उसने अपने जो आसपास के क्लास फेलोज हैं उनसे बोला कि मुझे लड़के जैसा फील हो रहा है, तो बात टीचर तक पहुंच जाती है, तो टीचर उसे कहती ठीक है भाई, फिर तू लड़का है, और तूने अपना नाम, अगर तेरा नाम रोजी है तो हम आज से तुझे डेविड कह के बुलाना शुरू कर देते हैं, या रॉबर्ट कह के बुलाना शुरू कर देते हैं, तो संभावना यह है कि लड़की को अच्छा लग सकता है। तो उन्होंने स्कूल में रोजी को रॉबर्ट बना दिया, और आसपास बच्चे हैं तो वो कुछ लोग विनोद में, कुछ सीरियसली उसे रॉबर्ट कहना शुरू कर सकते हैं। अब ये 2-4 घंटे का प्रोसेस हुआ, बच्ची घर आती है, माँ को बताते कि अब आप मुझे रोजी नहीं, आप मुझे रॉबर्ट कह के बुलाएंगे। उसने हंसी में बोला या सीरियसली बोला, लेकिन माँ का रिएक्शन क्या होगा कि तू पागल है क्या, या नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, वो उसको लाइटली भी ले सकती है, सीरियसली भी ले सकती है। अब उस बच्चे के 2 संसार हो गए, एक स्कूल वाला और एक घर वाला। स्कूल में उसे रीइन्फोर्स किया जा रहा है कि तू लड़का है, घर वाले ट्राई करेंगे कि इस चीज को अंडरप्ले किया जाए या उसे समझाया जाए कि नहीं बेटा तू गलत सोच रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका निर्णय कौन करेगा। जो हमारे यहाँ नियम बने हैं, व्यवस्थाएं बनी है, वो ये बोलती है कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसकी कम से कम आयु 18 वर्ष है।
आपको सिगरेट शराब पीना है तो उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष है, आपको शादी करनी है कम से कम आयु 21 वर्ष है। उसके पीछे की सोच क्या है कि अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, तो उससे आप अपनी भी हानि कर सकते हैं और किसी और की भी हानि कर सकते हैं। और सिगरेट शराब पीना है तो आप अपनी हानि करेंगे, तो आपकी बुद्धि को परिपक्व होने तक कम से कम 21 वर्ष का समय चाहिए कि आप समझ सकें कि सिगरेट के और शराब के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। उसके बाद आप अपने विवेक का उपयोग करेंगे, और तब भी यदि आपको लगता है कि सिगरेट शराब पीना है तो आपकी इच्छा है। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी जो वोक कल्चर है इसमें अलग है। उनका कहना है कि बच्चा जो कह रहा है वो उसका ठीक एनालिसिस है। अब इसका पेरेंट्स के पास उपाय क्या हो सकता है, वो पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, जनरली ऐसा हो सकता है और होता भी है। तो इसके लिए वेस्ट में, अमेरिका में, कनाडा में ऐसी उन्होंने सोशल एजेंसीज बना रखी हैं, सरकारी एजेंसीज हैं, जो ये राइट अपने लिए अप्रोप्रिएट कर लेती हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। वो बच्ची 911 डायल करेगी, पुलिस आएगी, या जो वहाँ का जो इस तरह की एजेंसीज हैं जो बच्चों पे ध्यान देती हैं वो आएंगी और वो बोलेंगी कि बच्ची ठीक कह रही है। और अगर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे तो भी जो आए हैं वहाँ से सोशल वेलफेयर वाले, उन्हें लगता है कि माँ बाप का व्यवहार ठीक नहीं है, तो वो बच्चे को ले जाकर चिल्ड्रंस होम में रख देंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चा जो डिसीजन ले रहा है वो अपने माँ बाप के डिसीजन को, परिवार के एक्यूमुलेटेड विजडम को ओवरराइड करके वो उस डिसीजन को मनवा सकता है, माँ बाप को बाध्य कर सकता है। यदि वो बाध्य नहीं होते तो उन्हें छोड़ के वो स्टेट की का संरक्षण ले सकता है और ले रहा है। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप होता है कि अब उसे ये रीइंफोर्स कर दिया गया कि तू लड़की नहीं है, लड़का है, तू गलत शरीर में है। अब उसके पास ऑप्शन क्या है कि तू अपने शरीर को चाहे तो बदल सकता है, बदल सकती है। और ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस उसे रॉबर्ट कहकर मेल की तरह ही हिम से ही एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा उस आइडेंटिटी के साथ स्वयं को आइडेंटिफाई करने लग जाता है। अब वो बच्ची है, उसका जननांग बिल्कुल भिन्न है, और जब वक्षस्थल बनने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो फिजिकली दिखने लग जाएगा कि ये लड़की है। तो उसके लिए ऐसे हॉर्मोन्स मार्केट में अवेलेबल करवाए गए हैं कि वो लड़की अगर वो हॉर्मोन्स लेने शुरू कर देगी तो उसका जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स बोलते हैं उन्हें कि अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम पूरे मैच्योर शायद नहीं हो, तो जो तुम्हारी प्यूबर्टी जो तरुणावस्था आने वाली है ये दवाइयाँ लेके तुम उसे ब्लॉक कर सकते हो कि वो अभी नहीं आएंगे, 13-14 वर्ष में नहीं आएंगे, 15 में नहीं आएंगे, वो 16 में आ सकते हैं, 17 में आ सकते हैं, 18 में आ सकते हैं, तुम इसे पोस्टपोन कर सकते हो। दूसरा कि अगर ब्रेस्ट डेवलप होते जा रहे हैं तो उन्हें तुम कटवा के, सर्जरी करवा के जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसा जी सकते हो। अब यहाँ पर जो ग्रे एरिया वो क्या है कि 12 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा अपना डिसीजन नहीं लेगा, उसे कोई सर्जरी करवानी है तो माता पिता की सहमति चाहिए। 18 साल प्लस वाला एडल्ट है, वो अपनी इच्छा से कर सकता है। तो बीच में ग्रे एरिया आ गया, 12 से 18 का या 8 से 18 का, ये सब देशों में अलग अलग है। कुछ में 8 से 18 है, कुछ में 12 से 18 है। जैसे हम अगर अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 से 18 का ग्रे एरिया माना जाता है। इसमें जो जैसे मैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें क्या बोलते हैं मैं आपको वर्बेटम बता देता हूँ। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर कंसेंट फॉर सर्जरी? एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन लीगली गिव द कंसेंट। ठीक हो गया। अब सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन पीनल कोड सेज द कंसेंट गिवन बाय अ चाइल्ड
अंडर 12 years ऑफ एज एज इट इज invalid. A patient belonging to the age group between 12 and 18 years and who has sufficient understanding can give an effective consent. यहां पर वो खेल खेलते हैं कि उसको इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है, इसलिए वो अपनी जेंडर चेंज कर सकते हैं, वो ऐसी सर्जरी करवा सकती है. अब ये सब आपको थ्योरेटिकल लग रहा होगा कि थ्योरी में हो रहा है, तो जो आंकड़े हैं वो बहुत भयानक हैं. इस अगर आज जब जैसे ही आप इस सेशन से बाहर जाएंगे तो मेरा आप सबसे निवेदन है यूट्यूब खोल के देखिएगा ट्रांसजेंडर प्रॉब्लम्स, इस तरह का कुछ भी आप डाल के देख लीजिए ट्रांसजेंडर स्टोरीज, तो आपको दिखेंगे ऐसे सैकड़ों बच्चे जो बता रहे हैं कि उनकी वास्तव स्थिति क्या है. अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं, जो मैंने आपको रोजी से रॉबर्ट बनने का एग्जांपल दिया. जब वो बच्ची 15-16 वर्ष की होती है, अब ना तो वो लड़की है और ना वो लड़का है बायोलॉजिकली, जो उसने इमोशनली मेंटली कुछ भी सोचा था वो सोच धीरे धीरे समय के साथ टूटनी शुरू हो जाती है, म्यूटेट होनी शुरू हो जाती है. तो अब यदि उसे समझ में आ गया कि मैं जब 10 वर्ष की थी या 11 की थी या 12 की थी तब मुझसे गलती हो रही थी, मुझे किसी ने मिसगाइड कर दिया था, मैंने कोई गलत लिटरेचर पढ़ लिया था, लेकिन अब मैं वो बनना चाहती हूँ जो प्रकृति ने मुझे बनाया था, तो अब उसके पास इसका कोई रास्ता नहीं है. इसमें एक झूठ बोला जाता है कि मॉडर्न साइंस ने बहुत विकास कर लिया, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं है कि अगर किसी बच्ची ने अपने वक्षस्थल कटवा दिए हैं या अपना यूट्रस निकलवा दिया है तो अब वो एक सामान्य महिला बन के बच्चों को जन्म दे पाए. तो जो प्रकृति का सबसे बड़ा उसके पास गिफ्ट था वो उससे छीन लिया गया. अब कहने को ये कहा जा सकता है कि तेरी सहमति थी, पर हम वो समाज हैं जो सिगरेट शराब पीने के लिए तो बोलते हैं 21 साल तक की प्रतीक्षा करनी है तुझे. अब सिगरेट शराब नुकसान करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सर्जरी है जिसने परमानेंट इरिवर्सिबल नुकसान किया है, डैमेज किया है, वो हम बोल रहे हैं कि तू 12 वर्ष में करवा सकती है. और ऐसे सैकड़ों केसेस वेस्ट में हो चुके हैं और हमारे देश में ये बीमारी पहुंच चुकी है. हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो ये करवा रहे हैं, केवल बच्चे नहीं बड़े भी करवा रहे हैं. दूसरा इसका उल्टा कर लीजिए कि लड़का है, उसे लगता है कि वो लड़की बनना चाहता है. हाँ, लड़कियों के केस में एक और उन्हें बताया जाता है कि शुरू शुरू में उन्हें ऐसी बेल्ट बना के दी जाती है कि छाती पे बांध लेंगे तो उनके बारे में पता नहीं लगेगा कि लड़का है कि लड़की है. लड़के को यदि ये लग रहा है कि वो लड़की है तो अपने जननांग कटवा देता है, फिर से इरिवर्सिबल परमानेंट डैमेज उसने अपने शरीर को कर लिया. अब जब वो चाहेगा कि वापस पुरुष बनना है तो नहीं बन पाएगा. और ऐसा सैकड़ों लोगों के साथ हो चुका है. अब इसके पीछे का खेल क्या है, कोई क्यों खेलेगा इस खेल को? पहला उत्तर पैसा और इंडस्ट्री, जो बड़ा सबसे सिंपलिस्टिक आंसर होता है. जो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स हैं उनकी आज करोड़ों नहीं अरबों रुपए की इंडस्ट्री है जिसकी मार्केटिंग वो करते हैं. उसके अलावा जो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स हैं, जो हॉर्मोन्स हैं, उनकी करोड़ों डॉलर की वो इंडस्ट्री है जो इससे फायदा उठाती है. उसके अलावा जो मेडिकल सर्जरी माफिया है कि सर्जरी, एक सर्जरी करनी है तो 7 से 10 हज़ार रुपए उसमें लगते हैं, तो वो भी कमाई का साधन है. तो दैट मीन्स इनके पास एक ऐसी नई फ्लरिशिंग इंडस्ट्री बन गई है पिछले इन 20 सालों में जिससे कि अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर संसार भर में होता है. लेकिन उससे एक स्टेप अगर डीप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका एक डिक्लेयर्ड एजेंडा है समाज को तोड़ने का. समाज की सबसे मूल इकाई क्या होती है? दंपत्ति.
जब आपने दंपत्ति ही तोड़ दिए, जब पुरुष और महिला को ही आपने एकदम फ्लूइड बना दिया कि कोई कभी भी कुछ भी बन सकता है, और सिद्धांत रूप से तो कोई भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन व्यवहार पक्ष में जब आपने ऐसे परिवर्तन कर दिए कि अब ना तो पुरुष बचेगा ना महिला बचेगी, तो समाज का विघटन वहां से आपने ऐसी त्वरित प्रक्रिया में डाल दिया कि उसे अब आप रीसेट का बटन दबा ही नहीं सकते, अब वापस नहीं ला सकते उसे। अभी तक मैंने आपसे जो चर्चा की इसमें मैंने एग्जाम्पल भी वेस्ट का दिया, और अभी हमें लगता है कि वेस्ट में हो रहा होगा, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, मुझे क्यों ये बात करनी पड़ रही है कि हमारे देश में ही ये काम बहुत गति से हो रहा है। अब गति से हो रहा है का अर्थ क्या हुआ? अगर किसी भी थ्योरी को, किसी भी सिद्धांत को आपने एस्टैब्लिश करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है उसका विमर्श चला के, उसका नैरेटिव बनाया जाता है, और दूसरा होता है उसके लिए नीति बनाई जाती है, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो हमारे देश में ये काम दोनों लेवल्स पे किया जा रहा है। अभी इस तरह के टीवी सीरियल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। स्कूल इस तरह के फंक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, जहाँ पर इन्हें नेचुरल दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो प्राकृतिक है, और अगर आप इसे स्वीकार करते हो तो आप ब्रॉड माइंडेड हो, आप अच्छे हो, आप एक अच्छे नागरिक हो। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आप रिग्रेसिव हो, आप घटिया सोच के हो, आप पेट्रियार्की को मानने वाले हो, आप ब्राह्मणिकल हो, आप ब्राह्मणवाद का समर्थन करते हो, आप जातिवाद का समर्थन करते हो। तो जितने इस तरह के लेबल्स हैं वो सारे आपके ऊपर चिपका दिए जाते हैं। ये तो हुआ नैरेटिव का पक्ष। अब इससे ज्यादा खतरनाक है जो पॉलिसी लेवल पे किया जा रहा है। पॉलिसी लेवल पे अब कहने को बहुत सारे लोगों का ये समझना है कि आज तो एक राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदूवादी, कुछ लोग उसे हिंदूवादी मान लेते हैं, लेकिन वो पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है कि जो ये समाज का पूरे का पूरा ढांचा है उसका उससे विनाश हो जाएगा। उसका मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो हमारे यहाँ एक मोदी जी ने एक बड़ी एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की है जिसे बोलते हैं आयुष्मान भारत, जिसके अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं कि दवाइयाँ बड़ी सस्ती में होती हैं, लोगों का उपचार हो रहा है, तो बहुत बढ़िया स्कीम है वो। लेकिन अच्छा, ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और इसके लिए एक है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब इस तरह के डिपार्टमेंट हमारे देश में क्यों बनते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहने को अगर हम सारे के सारे एक समाज है जो सेक्युलर है, तो सोशल जस्टिस तो कानून को देना है, एम्पावरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को देनी है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों बनाया जाता है? मेरी समझ से बाहर है। लेकिन एक उत्तर ये दिया जाता है कि जो गवर्नेंस है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, उसे अकाउंटेबिलिटी के लिए इस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके अंतर्गत एक प्रोग्राम चलता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अब मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल कौन है? ये सारी की सारी वोक टर्मिनोलॉजी है जिसे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर रही है, और फिर उसके लिए एक नेशनल पोर्टल बना है, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। ये सारी बातें, सारे नाम, सारे शब्द जब आप सुनते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं, और उसमें भी ज्यादा अच्छा क्या लगता है आप में से? अब मैं आप लोगों से सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप में से किसी को पता है ट्रांसजेंडर का क्या अर्थ होता है? आशुतोष जी नहीं, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं शब्द से परिचय होने के कारण, लेकिन टेक्निकली वो क्या है कहना मुश्किल है। ठीक है, कोई और जो बताना चाहे? कोई नहीं है, ठीक है, ओके। अब मैंने ये अपने आसपास अपने सर्कल में चीज जानने का प्रयास किया, और मैंने बात की 18 साल से लेके
80 साल के लोगों तक। मैंने पूछा ट्रांसजेंडर का अर्थ क्या होता है। अच्छा, आप सबने ये तो अनुभव किया होगा कि आजकल जब कोई आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर जब जेंडर वाला कॉलम होता है तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीन आते हैं। तो जब मैंने पूछना शुरू किया तो मैक्सिमम लोगों ने क्या बोला, अच्छा संदीप मेहता जी जिन्होंने हैंड रेज किया, एक बार डॉक्टर साहब पूछ लीजिए इनसे। जी संदीप जी, संदीप आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है मैं बोल सकता हूँ। हाँ जी, जो थ्योरी है ये थ्योरी तो नहीं है, ये मतलब एक जो चल रहा है इसको क्या कहेंगे, मतलब व्हाटएवर ट्रेंड है या व्हाटएवर इट इज, इसका कोई प्रोपोनेंट है, कोई बंदा है जिसने इसको उस पे आऊंगा। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं भी इस ट्रेन को खत्म कर दूं फिर उस पे आता हूं। जी तो मैंने पूछा कि ट्रांसजेंडर का अर्थ क्या होता है, तो सबने क्या आंसर दिया, मैं यहाँ पे 100% रिजल्ट बता रहा हूँ कि जिन्हें हम किन्नर बोलते हैं वो ट्रांसजेंडर हैं। और मीडिया में भी कभी कभी क्या आता है कि जब इलेक्शन हुए थे कि पहले किन्नर ने इलेक्शन जीता जो एमपी बना, और जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो किन्नर दिखाया जाता है। अब किन्नर मार्जिनलाइज्ड हैं, वो एक अलग कम्युनिटी है, ये हम समझते हैं, लेकिन वो हमारे समाज में सैकड़ों वर्षों से, सहस्रों वर्षों से रह रहे हैं और उनका एक स्थान विशेष है, उनको सम्मान भी जितना दिया जाता है वो प्रयास किया जाता है वो मिलता है, और यदि उन्हें एम्पावर करने का प्रयास किया जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, इससे सबकी सहमति भी है। लेकिन जो इसका टेक्निकल अर्थ है ट्रांसजेंडर का वो क्या है, उससे भी पहले एक ट्रोजन हॉर्स लोग समझते होंगे कि क्या किया गया था, एक लकड़ी का घोड़ा बनाया, उसके अंदर जो सैनिक थे वो घुसा दिए गए ताकि वो अंदर चले जाएं। तो ट्रांसजेंडर टर्म एक ट्रोजन हॉर्स की तरह हमारे समाज में इंट्रोड्यूस की गई है। हम सोचते हैं कि किन्नर है, लेकिन ट्रांसजेंडर यानी जिसने अपना जेंडर ट्रांसफर कर लिया है या ट्रांसिट कर लिया है, तो लड़का था वो लड़की बन गया, लड़की है तो लड़का बन गया। टेक्निकल डेफिनेशन, टेक्निकल टर्म ट्रांसजेंडर की ये है। तो हमने ट्रांसजेंडर को कितना मेनस्ट्रीम कर दिया, ये मैं उसका एक एग्जांपल देना चाह रहा था आपसे। अब मैं आता हूं वापस उसी बात पे कि हमारी सरकार ने बनाया है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। फिर मैक्सिमम लोग तो इसी भुलावे में है कि ये तो किन्नरों के लिए है, लेकिन वहां पे वो क्या बता रहे हैं मैं वो बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम is to provide health insurance coverage to all transgender persons living in India to improve their health condition through proper treatment including sex reassignment surgeries as well as medical support. Point number one. और फिर इसके लिए specially उनके लिए बनाए गए हैं जिन्हें बोला जाता है आयुष्मान भारत TG+। टी जी प्लस क्या है, टी फॉर ट्रांस, जी फॉर जेंडर, ट्रांसजेंडर प्लस कार्ड उनके लिए स्पेशली बनाए गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इन द फॉर्म ऑफ आयुष्मान भारत TG+ शैल बी अवेलेबल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस इंक्लूसिव ऑफ जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी। शब्द देखिए कितने सुंदर हैं, जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी इन द हेल्थ बेनिफिट पैकेज अंडर आयुष्मान भारत योजना। Each transgender person shall receive an insurance cover of rupees 5 lakh per year under the scheme. The comprehensive package would cover all aspects of transition related healthcare for transgender persons. It shall also provide coverage for hormone therapy, sex reassignment surgery, inclusive of post-operation formalities which can be redeemed at all private and government healthcare facilities. तो यहां से आप अनुमान लगा लीजिए कि उन्होंने देश का पॉलिसी सिस्टम हाईजैक कर लिया है और ये जो आज की सबसे डेंजरस बीमारी है उसको उन्होंने पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करके उसके लिए अलग से फंड्स एलोकेट कर दिए हैं और उसे पूरा मेनस्ट्रीम कर चुके हैं, जबकि हम अभी केवल समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वोकिज्म होता क्या है।
ये ऐसे काम करते हैं। तो मैंने वैसे तो अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करना था, लेकिन अजय जी ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। उनका कहना था शुरू किसने किया, कैसे हुआ, ये इनका प्रश्न था। तो आपको ये जान के बहुत बड़ा शौक लगना चाहिए कि कैसे शुरू हुआ था। एक आदमी था, अब विदेशों में कुछ प्रोफेशन है जिन्हें सेक्सोलॉजिस्ट बोला जाता है, तो पूरा एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं था, कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी नहीं था, कोई हार्मोन थेरेपी स्पेशलिस्ट भी नहीं था। इसका नाम था जॉन मनी। ये और वामपंथी लेफ्टिस्ट व्यक्ति था। इसने ये थ्योरी फ्लोट की कि जो लड़का है वो लड़की की तरह रह सकता है, लड़की लड़के की तरह रह सकती है। आज हमारे समाज में जैसे जैसे फेमिनिज्म फैल रहा है, ये थ्योरी बहुत पैर जमा रही है, बल्कि जड़ें गहरी कर चुकी है कि सोशल कंडीशनिंग से लड़कियों को लड़कियों जैसा व्यवहार करने को मिलता है, पुरुषों को पुरुषों जैसा। अगर आप किसी बच्ची को बंदूकों के साथ या बंदूकों के खिलौने या कारों के खिलौने लेके देंगे तो वो भी बड़ी होके मर्दों जैसा व्यवहार करेगी। ये गलत है, इसके लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, वो आज का विषय नहीं है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। लेकिन जॉन मनी इसी बात को सपोर्ट करता था। तो हुआ क्या, एक परिवार में एक जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो जब वो बच्चे जन्म हो रहा था तो उनका जो जननांग थे उनमें कुछ समस्या थी, तो डॉक्टरों ने बोला एक छोटी सी सर्जरी करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो पहले एक बच्चे को लेके गए ऑपरेशन करने के लिए, तो कुछ वहाँ पर ऑपरेशन करते करते समस्या आ गई, उसका जननांग पूरी तरह से समाप्त हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। तो माँ बाप बहुत पीड़ित हुए कि लड़का था लेकिन उसको ये समस्या आ गई। तो दूसरे का ऑपरेशन ठीक रहा, वो लड़का ठीक था। अब जिस समय बच्चा शायद एक डेढ़ साल का था, शायद एक साल से कम का था, 10-11 महीने का था, तो उन्होंने टीवी पे बैठे बैठे चैनल चेंज कर रहे थे, जॉन मनी का इंटरव्यू देख लिया उन्होंने, तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर उपाय हो सके, वो इसके पास चले गए। तो जॉन मनी ने उन्हें कहा कि हम इसकी सर्जरी करेंगे, हम इसका जो जननांग वाला हिस्सा है वहाँ पर हम एक छेद कर देंगे तो ये वहाँ से पेशाब तो कर पाएगा, क्योंकि जब बच्चों का जन्म हुआ था तो पेशाब नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि जननांग नहीं है, आप इस बच्चे को कभी ये नहीं बताएंगे कि तेरा जब जन्म हुआ था तो तू लड़का था, आप इसे यही बताएंगे कि तू लड़की है। तो उन्होंने वही किया, उसे लड़कियों वाले कपड़े पहनाने शुरू कर दिए, धीरे धीरे बड़ा होता गया वो। तो जॉन मनी इसके कारण संसार भर में फेमस हो गया कि इसने सक्सेसफुली वो काम करके दिखा दिया जो केवल थ्योरी में कहा जाता था। सब टीवी चैनल्स पे, अखबारों में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में उसके आगे उसके आर्टिकल आते थे, उसके इंटरव्यूज आते थे, तो सेलिब्रिटी बन गया वो। ये जो लड़का था, जब ये बड़ा हुआ तो उसने अपना जीवन बहुत कष्ट झेले उसने, और फिर अगर आप YouTube पे जाएंगे आपको उसका भी इंटरव्यू मिलेगा। वो कह रहा था कि जब वो लगभग 30-32 वर्ष का हुआ, कहता कि लोग बोलते हैं कि मेरा जीवन एक सफल एग्जाम्पल है, कहता बिल्कुल झूठ बोलते हैं, मुझसे पूछो, मैं चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या संसार तब विश्वास करेगा जब कोई अपने आप को गोली मार लेगा। और अल्टीमेटली इस इंटरव्यू के 2-3 वर्ष बाद उसने सच में सुइसाइड कर लिया, उसका इतना गंदा जीवन था। तो ये है इसका जहाँ से स्टार्ट हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वो भी फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, जिसे संसार भर में ये एस्टेब्लिश करवाने के लिए यूज किया जाता है कि आप जेंडर रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, सेक्स रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, और हमारी सरकार इसके लिए स्पेशल बजट प्रोविजन कर चुकी है। जी मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ, किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये बातें तो वाकई बड़ी गंभीर हैं, और इसकी जानकारी मुझे तो कम से कम नहीं थी बिल्कुल भी। अब ये है कि जब इस तरह की एक शुरुआत हो गई है तो निश्चित रूप से इसके पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लिकेशंस बड़ी ज़बरदस्त होंगी, और जो अभी शायद समाज के सतह पर उभर के तो नहीं आई हैं, लेकिन लगता है कि
उभर कर आएंगी। आप कोई और एक उदाहरण दे सकते हैं जो सेक्स बेस्ड ना हो या वैसे जीवन के किसी और पक्ष को वो प्रभावित करते हो, पॉलिटिकली या डिसीजन मेकिंग में कुछ और प्रभावित कर रहे हो, कुछ ऐसा और उदाहरण हो? क्योंकि ये सिर्फ जेंडर बेस्ड बात अगर रह जाती है तो मुझे लगता है कि शायद उतना ये हम लोगों को प्रभावित ना करे, क्योंकि बाई एंड लार्ज जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें वो पैरामीटर्स जो है वो काफी हद तक स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, ये उदाहरण ठीक है आप जो गिना रहे हैं, ये मैं सहमत हूँ उनसे, ये हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भाई हम एक सोसाइटी के तौर पे शायद इनको एक्सेप्ट ना भी कर पाए। लेकिन कोई और आपके दिमाग में उदाहरण आता हो तो वो प्लीज एक बार शेयर करें। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें क्या है सर, आप एक देखना शुरू करेंगे ना, जैसे JNU में एक परेड निकाली गई, इसे बोलते हैं गे प्राइड या LGBT प्राइड। तो वहां पर ये पूरा जुलूस निकालते हैं, पूरा एक महीना सेलिब्रेट किया जाता है, LGBT मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पर जब आप इनके प्लैक कार्ड देखेंगे तो एक तो सतरंगी झंडे उठाए होते हैं इन्होंने, जो इन्होंने उसका सिंबल बना दिया है। साथ में क्या होता है कि डाउन विद हिंदुत्व, डाउन विद ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। तो ये इसके साथ साथ पिगी राइड करते हैं कि ये इनका एक चेहरा ये है कि हम समाज में न्याय चाहते हैं मार्जिनलाइज सोसाइटी के लिए। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप कास्ट स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे, जब आप ये ब्राह्मणवाद को तोड़ेंगे, जब आप हिंदुत्व का नाश करेंगे। तो इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस ये आ जाते हैं इसमें। इसमें एक छोटा सा नीरज जी, जी और डॉक्टर से भी निवेदन है कि ये मुझे व्यापक रूप में लगता है कि ये एबिलेशन, मुझे तो लगता है कि इसको डिसमिस किया जा सकता है कि अगर इतनी बड़ी ह्यूमैनिटी में इफ यू हैव कपल ऑफ एबिलेशन वेयर पीपल आर परवर्टेड, आप मतलब एक स्वाभाविक रूप में इंसान के रूप में चाहे पुरुष है या स्त्री है व्यवहार नहीं कर रहे, तो व्हाई शुड इट बिकम ए थ्रेट टू द सोसाइटी, why should it become a challenge for us and why should it become at all a topic for us to discuss? agar JNU mein jaise abhi aapne example di ki ek group ban gaya hai aur isme hindu ka jo factor hai wo hi kyun aata hai, why can't it be anti christianity, why can't it be anti islam, why can't it be you know us tarah se, to ye ek tarah ka mere man mein jigyasa aayi hai ki ye इतना क्या गंभीर विषय है। मतलब एविएशन तो होती है, आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एनिमल सेक्स भी करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही परवर्टेड होते हैं, जिनको परवर्टेड ही कहा जाता है जी। तो हाउ डू दे बिकम थ्रेट टू द सोसाइटी इस वोकिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसका कोई खास आदमी है जो प्रोपोनेंट है, या ये आइडिया अगर निकला है तो किस कंट्री से निकला है, कैसे निकला है? जी, मैंने अभी आपको जी जॉन मनी का एग्जांपल दिया, ये इसका आज जो एपिसेंटर है वो कनाडा है, कनाडा, अमेरिका और अब यूरोप तक पहुंच गया है। और हमारे देश में जो पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा हो चुका है। एक ये तो अब एक आपके क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, आपने कहा कि ये हिंदू धर्म पे क्यों अटैक करता है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन पूछा था वो भी इसी के साथ जुड़ जाएगा कि हमारे लिए इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं। देखिए, जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो समाज को तोड़ने का है, और जैसे हम समाज आज जानते हैं तो वो टारगेट किसे करते हैं, एक तो वाइट क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं और यहाँ पर हिंदू समाज को टारगेट करते हैं। तो मैं हिंदू टारगेट की, हिंदू समाज की बात करूँगा। हमारा समाज डॉक्ट्रिनल नहीं है कि तुम ऐसा करोगे तो बचोगे, नहीं तो गला काट देंगे। ऑन द अदर हैंड, इस्लाम में बिल्कुल क्लियर है ये कि अगर कोई LGBT है तो उसकी सजा मौत है। जहां पर ISIS, जहां पर इस तरह के जो संगठन है उन्होंने अपना निजाम चलाना शुरू कर दिया, वो मोहम्मद की एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई ऐसा करे तो उसको सबसे ऊंची हाइट से जाके गिरा दो।
तो क्या करते हैं, वो सबसे ऊंची बिल्डिंग ढूंढते हैं, वहां से फेंक के उसे मार देते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे सरप्राइजिंग भी है, पनी भी हो सकता है, लेकिन सबसे चिंताजनक भी है कि हमारा समाज तो ऐसी एबरेशंस को टॉलरेट करता है। वो बोलते हैं कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जैसा अजय जी ने अभी बोला कि कोई इक्का दुक्का विरला कहीं ऐसा परवर्ट निकल आता है, तो हमारा समाज उसे बहिष्कृत नहीं करता, झेल लेता है कि चलो ठीक है, ये एक अपवाद है, वो वैसा रहेगा। तो इसमें दो चीजें आती हैं, पहला ये कि हम समझते हैं कि ऐसा कभी कभी हो सकता है, अपवाद होते हैं, हम इसे सहन भी करेंगे, लेकिन जो सहन नहीं करता उसके अगेंस्ट ये लोग कभी आवाज नहीं उठाते। ऑन द अदर हैंड, अभी जब फिलिस्तीन की सपोर्ट में जो रैलीज कनाडा में, अमेरिका में और यूरोप में निकल रही थी, वहां पर स्पेशल बैनर्स होते थे क्वीर्स फॉर पैलेस्टाइन, एलजीबीटी फॉर पैलेस्टाइन, तो जो इस्लाम इन्हें खत्म करना चाहता है उसकी तो सपोर्ट में आ रहे हैं, जो सनातन धर्म किसी को कोई थ्रेट नहीं देता उसको ये समाप्त करना चाहते हैं। तो ये आपको बताएगा कि जो फुट सोल्जर्स हैं वो अलग होते हैं, जो पीछे बैठे आइडियोलॉग्स हैं उनका एजेंडा कुछ और होता है, वो कैसे इनको यूज करते हैं। और एक चीज आपने और कही थी जिसका उत्तर मिलना चाहिए आपको, How is it a threat to the society? हाँ, how are they threat to the society? क्योंकि अभी तक आपने एक बड़ा अच्छा शब्द बोला कि ऐसे अपवाद होते हैं, right? अब अपवाद की अपनी definition होती है कि अगर 0.1% of the population है तो वो अपवाद है, लेकिन अगर वो एक critical mass acquire कर लेता है तब वो अपवाद नहीं बनता, वो norm होना शुरू हो जाता है। अभी जो latest surveys अमेरिका और कनाडा के हैं, उनका कहना है कि आज वहां पर 25% बच्चे अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करना शुरू कर चुके हैं, 25%। तो इट इज नो लॉन्गर एक्सेप्शन, वो इसे नॉर्म बनाते जा रहे हैं। और हमें इस पे चिंता क्यों करनी चाहिए, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देता हूं कि एक होता है कि कोई एक अपवाद है, हमने उसे बहिष्कृत नहीं किया कि वो है, अब उसको प्रकृति ने किस कारण से बना दिया वो एक अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन वो है तो हम उसे सहन करते हैं, उसको मारते नहीं, काटते नहीं, कुछ नहीं करते उसका। लेकिन अगर हम उसे उठा के एक आइडलाइज करने लग जाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, तो अब वो एक्सेप्टेबल बन जाता है और फिर उसका क्रिटिकल मास बनना शुरू हो जाता है और फिर लोग उसे फॉलो करेंगे। और इसका टारगेट मुसलमान कभी नहीं बनेगा क्योंकि उनकी सोसाइटी उस तरह से डिजाइंड है, इसका टारगेट हिंदू बनते हैं। और आज आप देखेंगे डिवोर्स रेट हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा है, फर्टिलिटी रेट हिंदुओं में कम हो रहा है, और जब ट्रांसजेंडर हिंदुओं में सबसे ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे तो अपने आप फर्टिलिटी रेट और गिरेगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ जो महिलाओं का TFR है, जिसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो 1.8 है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल के लिए 2.1 चाहिए होता है। कोई भी समाज अगर एक पॉपुलेशन को मेंटेन करना चाहता है तो एक महिला का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। दैट मीन्स हम ऑलरेडी उस क्रिटिकल मार्क से नीचे गिर चुके हैं कि हम सस्टेन नहीं कर रहे। उसमें आप इस एजेंडा को जोड़ दीजिए, ट्रांसजेंडर्स को जोड़ दीजिए, तो वी आर लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ओके, डॉक्टर रमेश जी और उसके बाद डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, रमेश वर्मा जी। श्योर, ओके, आई थिंक आप मेरे को सुन पा रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका और अत्रे जी का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि इस इम्पोर्टेंट और खतरनाक जो समाज के लिए बन चुका है और बन रहा है मुद्दे को बड़ी गहराई से इन्होंने प्रकट किया है, तो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आमतौर पर हम सब इन सब चीजों से बात करने से बचते रहते हैं क्योंकि इल्जाम हमारे ऊपर लग जाता है कि आप तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने को तैयार है, ये इक्वालिटी चाहिए, वो चाहिए, तो बड़ा मुश्किल होता है समाज में इन सब चीजों को लेके आना। अब जैसे अक्सर ये वोकिज्म हम लेफ्ट लिबरलिज्म के साथ भी जोड़ रहे हैं और वो हमें शुरू से पता है कि मैं कई बार एक लूज टर्मिनोलॉजी यूज कर देता हूँ कि कौम नष्ट है, ये तो कौम को हर एंगल से नष्ट करने का माध्यम, और ये चमत्कारी इस
इस ढंग से कर पाते हैं क्योंकि इन्होंने बुद्धि का प्रयोग तो कर लिया है, मगर वो बुद्धि का प्रयोग किस डायरेक्शन में करना है वो इनके पास रूट्स नहीं है, क्योंकि ये हमारे समाज के वो अंग रहे हैं जो वेस्ट से तो वेलकम इसलिए कर रहे हैं कि ऑलरेडी हैं और वो डाइंग स्टेज पे हैं, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन कम हो गई है, वोकिज्म ने उन्हें एक नई ताकत जो है यानी कि प्रदान कर दी है। कारण ये है कि इनके आइडियोलॉजी कभी भी हमारे देश के साथ नहीं थी, हमारी सनातन या संस्कृति के साथ नहीं थी, कभी ये रूस को देखते हैं, कभी ये चीन को देखते हैं, आजकल तो चीन के गोदी में बैठे हुए हैं, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। बीच में एक प्रश्न आया था कि क्या, शायद आशुतोष जी ने पूछा था कि क्या इसके और डायमेंशन भी हैं, मैं थोड़ा सा वहां टच करना चाह रहा हूं। ये इक्वालिटी और को सुपर इक्वालिटी की तरफ जो ले जा रहे हैं वो हाईली डैमेजिंग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के माध्यम पर ये बोलना चाहते हैं कि टेस्ट खत्म हो जाए, कोई डिस्टिंक्शन किसी किस्म की ना दी जाए। इसी तरीके से ये कंपटीशन को भी रिड्यूस करना चाहते हैं कि जरूरत नहीं होनी चाहिए कंपटीशन की। तो सुपर इक्वालिटी के नाम पे यही है, जैसे आप पूरे देश की और विदेशों की भी संपत्ति यदि बराबर बराबर में बांट जाए तो हम समाज में किसी एक्टिविटी को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वही चीज एजुकेशन में भी होगा, यदि आपने सभी को बराबर कर दिया तो क्राइटेरिया क्या बनाओगे, कैसे चूज करोगे। सबसे बड़ा नुकसान यह कि चैलेंज नहीं रहेगा जो आपको मोटिवेट करता है कि आपने कुछ अचीव करना है, कंट्रीब्यूट करना है, वो सब चीजें गायब हो जाएंगी। दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूँ, अभी मैं कभी इंटरनेट पर भी बैठा कुछ देख रहा था, आर्ट जो हमें खूबसूरती का सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ लेके जाता है, उसमें भी ये इतने विभत्स ढंग से घुस चुके हैं कि उसको क्या कहूं मैं। और मैं एक दिन देख रहा था ह्यूमन शिट, उसको इन्होंने गोल्ड कवरिंग से लाकर के मॉडर्न आर्ट वर्क आर्ट के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने सोचा शायद यहाँ बात खत्म हो गई होगी, लेकिन नहीं, वो एक ढेर को गुफा टाइप से बना करके भी डेकोरेट कर रहे हैं ताकि उसमें से व्यक्ति निकला जा सके। इस हद तक ये विभत्स आर्ट में भी चली गई है। स्पोर्ट में तो अत्री जी ने अभी बताया ही है और हम सबको पता होगा, ये दो तीन एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। इसके अलावा और भी थी, जहाँ वो एक लेडी जो शायद इटालियन थी उसको छोड़ना पड़ा, मुझे उसका पूरी डिटेल नहीं है, क्योंकि वहां पर भी ऐसे व्यक्ति क्लेम कर रहे हैं कि मैं तो स्त्री हूँ तो मुझे स्त्रियों के ग्रुप में लड़ाया जाए, और वहां से झंझटें खड़ी हुई हैं और हम सब इसको चुपचाप देखने वाली स्थिति में आ गए हैं। और जैसे अत्री जी ने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पॉलिसी मेकर में, क्योंकि मोदी जी तो बनाने से रहे हैं, नीचे जो पूरा का पूरा सेटअप है वहाँ इतनी गहरी पेनेट्रेशन इनकी शुरू से रही है। और हम सब जानते हैं एजुकेशन हो, मीडिया हो, कहीं पर भी हो, पॉलिसी में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह ये शुरू से ये घुसे हुए हैं जिनको हम यह इकोसिस्टम कहते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे समाज को तोड़ेंगे, हमारी कल्चर को नष्ट करेंगे, और सबसे भयानक नुकसान जो है हमारे फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ने का ऑलरेडी है, चल रहा है, हम सरकार भी है, वो इसको बढ़ावा देगा, इट विल बी फर्दर मोर एंड मोर एक्सेलरेटेड। इन चीजों को देखना, और प्रॉब्लम ये होती है कि हम सबका, मैं तो टीचर रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स भी रहे हैं यंग एज में, हमें भी इन चीजों ने बड़ा ही प्रभावित किया, लेफ्ट लिबरलिज्म वगैरह का, मगर मेरा अनुभव यह रहा है कि ऐसे सभी लोगों से बात करना ऑलमोस्ट असंभव सा है। ये मान के चलते हैं कि दे आर बॉर्न राइट एंड दे आर परफेक्ट एंड वर्ल्ड इज ब्लाइंड एंड इडियट। ये शब्द मैं बात को यहाँ कहना चाहता हूँ, अभी कोई और बात उठेगी तब देखेंगे, बट सच में ये इतना गंभीर इशू है और हमें इसके लिए चुकना होना ही पड़ेगा। मैं पिछले साल अमेरिका गया हुआ था, वहां मैं जहाँ ठहरा हुआ था उन लोगों से बात भी कर रहे थे जो सीनियर जनरेशन है वो इससे अफेक्टेड है और दुखी है। वो ये मुझे उन्होंने कहा, यानी जो खुद अमेरिकन है, मतलब वो इंडियन नहीं है, इंडियन बॉर्न नहीं है, कि भाई ये तो हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम बच्चों के लिए स्कूल में इंसिस्ट नहीं कर सकते कि वी डोंट वांट इट। वहां जो सो कॉल्ड काउंसलिंग की प्रथा चली हुई है, वो काउंसलर बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेता है इवन अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, और वहां जो वो डिसीजन लेता है इट हैज टू बी फॉलोड। जैसे आपने बताया कि पूरा माफिया, इसको आप बेसिकली फाइनेंशियल फैक्टर है, बहुत अच्छा बताया कि ड्रग माफिया है, ऑपरेशन है, बहुत बड़ी दुकानें इसके ऊपर खोल रही हैं, बच्चा जाए भाड़ में, उसका फ्यूचर जाए भाड़ में, क्योंकि ये ट्वीट पर भी और यानी इंटरनेट पर भी कई केसेस देखने में आए हैं। आई हैव
seen a woman, she was crying. She was an American woman. और वो रो रही है कि मेरी पूरी जिंदगी इन हार्मोन्स ने इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर दी है कि मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना मतलब संभव भी नहीं रहा है मेरे लिए. पेन को हम सबको महसूस करना चाहिए. एंड व्हाट एवर वी कैन डू वी शुड डू इट. जी धन्यवाद डॉक्टर साहब. नीरज जी ने 12 बजे जो है वो एक उनका और कार्यक्रम भी है, तो बहुत संक्षेप में जिस रविंद्र जी बहुत संक्षेप में, और उसके बाद एसएस थे, मैं नाम नहीं उनका जानता, लेकिन उसके बाद वो कर सकते हैं. उसके बाद देवदत्त जी बहुत संक्षेप में क्योंकि 12 बजे समय कम है. जी रविंद्र जी. ज्यादा तो कह नहीं पाऊंगा सर जी, केवल इतना कहना चाह रहा हूँ मैं. मुझे ये लगता है नीरज जी की बात से कि एक तो होता है नेचुरल जिसमें मेल फीमेल और आप जिसे आप किन्नर कह देते हैं जी. और जब इन्होंने ट्रांसजेंडर की बात की तो वो एक तरह से आर्टिफिशियल है, जहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, समस्या वहां पर है. मैं केवल इतना ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ क्योंकि समय कम है. हमारा संविधान जो कहता है वो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, नंबर वन. सेकेंडली नाउ एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग LGBT हैज द सेम राइट्स एज अदर्स, बट स्टिल देर इज अ डिबेट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू नेम द पर्सन. देर इज अ डिबेट वेदर दैट फेलो शुड बी एलिवेटेड टू द चेयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और नॉट बिकॉज ही बिलोंग्स टू LGBT. सो दीज आर द सर्टेन इश्यूज विच आर एमर्जिंग विच हैव सोशल एंड यू मे से पोलिटिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑल्सो. बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे विषय को रखा. मेरा प्रश्न है, आपने तीन बिंदुओं पर इसकी चर्चा की. एक तो फिजिकल आस्पेक्ट पे आपने इसको बताया जो कि जिसको हम किन्नर कहते हैं या ट्रांसजेंडर जिसको हम समझ रहे हैं, हालांकि ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन आपने बताया कि काफ़ी एक्सपेंसिव है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी एक फिजिकल आस्पेक्ट हो गया कि वो जो बॉर्न हुआ जिसको फिजिकली उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया एंड हैंस मेल फीमेल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, जो समझ में आता है. उसके साथ में फिर एक दूसरा एंगल जो जुड़ गया वो है साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन का, जो कि एक मोर लेस सेक्सुअल ओरिएंटेशन है और उसकी वजह से लेस्बियन मतलब सेम सेक्स के साथ में वो एक ओरिएंटेशन निकल कर के आ गया. और तीसरा इसका पहलू जो है वो पहलू है इसके राइट्स से रिलेटेड पहलू, कि यदि सेम सेक्स में मैरी हो या सेक्स रीअसाइनमेंट करके अगर इसको फैमिली स्टार्ट करने के लिए इस तरह से देखा जाए, तो जो राइट्स वाले पहलू हैं. और डॉक्टर रमेश जी की बात से ऐसा लगता है कि वी आर फीलिंग सो हेल्पलेस दैट वी नो दैट इट इज़ रॉन्ग, इनहेरेंटली वी नो, बट वी हैव नथिंग टू काउंटर इट लॉजिकली, वी हैव नथिंग टू tell people that this is so wrong. और ये बात उनकी जो झेल चुके हैं इसको, those who have lived through it, even they are feeling so helpless that their voice is not being heard. मुझे लगता है इस बिंदु के ऊपर खास तौर पर rights को लेकर के, क्योंकि जैसे ही हम rights की बात करते हैं तो इसमें state का role आ जाता है, इसमें policy making का role आ जाता है, इसमें कहीं logic enter करता है जो कि इस twisted logic को correct कर सके. तो आर वी लूजिंग दिस बैटल समवेयर ऑन द राइट साइड, थोड़ा इसके ऊपर यदि आपके पास में कुछ है तो बताएं. जी नीरज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. इसका आंसर मैं ब्रीफ में ही दे रहा हूं. अभी आपने शब्द यूज किया कि कैन इट बी काउंटेड लॉजिकली, तो साइंटिफिक डेटा इतना सारा है, इतने सारे लोगों के अपने एविडेंसेस हैं कि ये बिल्कुल डिजास्ट्रस है. तो अगर हम चाहें लॉजिकली इसके आंसर्स मिलते हैं, इसे काउंटर किया जा सकता है, पॉइंट नंबर वन. और जो आपने कहा कि हम हेल्पलेस फील करते हैं, उस हेल्पलेसनेस के दो एस्पेक्ट आपने बोले, पहला लॉजिक वाला जिसका ये आंसर है, दूसरा हम कुछ कर नहीं सकते. जो समाज ये सोच लेता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो कभी कुछ नहीं करता. आप देखिए, जो केवल 12-14% 15% हैं वो चिल्लाते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सब कर लेंगे. वो इकट्ठे होके MP को मिलते हैं, MLA को मिलते हैं, काउंसलर को मिलते हैं, सरपंच को मिलते हैं,
और उन्हें प्रेशराइज करके इरिस्पेक्टिव ऑफ के कौन सी पार्टी पावर में वो अपना एजेंडा अप्लाई करवाते हैं। हमने एज अ कम्युनिटी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भागना शुरू कर दिया है। हमारा समय अब ये आ गया है कि हम इकट्ठे हों, चार लोग हैं, अपने सरपंच को जाके मिलें, काउंसलर को जाके मिलें, एमएलए को मिलें कि ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स है और इसे पूरा करो। हमें ये करना पड़ेगा अगर हम इस हेल्पलेसनेस से बाहर आना चाहते हैं तो, एंड इट हैज टू बी डन, और कोई उपाय नहीं है इसका। जी बहुत संक्षेप में डॉक्टर देवदत्त जी, और उसके बाद संदीप मेहता। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज और बहुत ही नया भी था, मैंने तो पहली बार सुना और आज ही देखा थोड़ा गूगल में। मेरा एक और पर्सपेक्टिव है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी अपनी कमी है, क्योंकि जब हम प्रोन टू डिजीज हो गए तो हमला बाहर का तभी होगा, खासकर ब्राह्मणवाद में। मैं तो खुद भी इसका भुगता भोगी हूँ, जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, थोड़ी सी इंटरकास्ट शादी हुई मेरी तो मैं सिर्फ 25,000 के लिए मेरे को बहुत चक्कर काटने पड़े। और एक बात और है कि जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में जो आईएएस भी लगे हो गए, उनको आप ये बात समझा नहीं सकते कि जो सर ने बात की कि उसमें फीमेल राइट हो, क्योंकि ये बहुत ही ओ है, ये लेके आ जाते कि इक्वलिटी की बात। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस मामले में मैं खुद पढ़ रहा था, जो रजनीश ओशो ने बहुत ज्यादा डीप काम किया है, उन्होंने एक नई इंटरप्रिटेशन टाइप की दी है, हालांकि साइंस में ऑलरेडी है कि जो मेल और फीमेल इज मैटर ऑफ परसेंटेज होते हैं, कि जैसे 100% है तो कोई 52% फीमेल करेक्टर है और 50% मेल है तो फीमेल होगा 52 बाय लीडिंग 2%, पर वो सक्सेस नहीं है। तो हमें साइंटिफिकली क्या करना होता है कि हमें फीमेल को 90% फीमेल बनाना और 10% मेल। पर आजकल ये जो वेस्टर्न वाला इक्वलिटी वाला चल रहा है, इसने क्या कर दिया कि मतलब इसको इक्वलिटी की रेस में ला दिया। और इस बात को समझना पॉलिसी मेकर और हायर इंटेलेक्चुअल भी समझ नहीं पाते, तो आज ये बहुत ही ज्यादा डिजास्टरियस है जो पॉलिसी लेवल पे हो रहा है। और थोड़ा मैं ये चाहूंगा कि कभी रजनीश के विचार भी इसमें ले आए, क्योंकि रजनीश के विचार और दयानंद सरस्वती के विचार मतलब सभी को पानी पिलाने पे मजबूर करते हैं। जैसे दयानंद का तो हम बहुत आदर करते हैं और निश्चित रूप से जी। संदीप जी लास्ट हमारे वक्ता है और उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। संदीप जी, आज ऐसा है कि आज मैं इसके लिए थोड़ा रेडी नहीं हूँ, मुझे इसका वक्त नहीं मिला, मैं क्षमा चाहता हूँ। जी ठीक है, चलिए तो आज का ये चर्चा का जो विषय रहा है, सामान्य रूप से इन विषयों पे चर्चा हमारे जैसे सभ्य समाज में नहीं होती, और खास तौर पे संस्कृत के तो समाज में ऐसे विषयों की तो मुझे नहीं लगता कि कोई चर्चा करता भी होगा सारे भारत में। लेकिन हम संस्कृतज्ञों को और संस्कृत के प्रति सद्भावना रखने वाले व्यक्तियों को ये चुनौतियां लेनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत बड़े खुले मन की भाषा है लेकिन मर्यादित रूप में रहने वाली है, वो सकारात्मक भाषा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें संस्कृत के उस एथॉस को समझना चाहिए जहाँ पर उन्होंने कभी देवताओं के भी अपराधों को कभी छिपाया नहीं, उन्होंने किसी भी बात को छिपाया नहीं और किसी भी बात को उन्होंने कभी कैरियर के हिसाब से नहीं कहा। तो इसलिए हमें उस परंपरा के अनुसार, उस स्वस्थ मानसिकता के अनुसार इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए। और सीखना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमें पिछले 70-80 दशकों में हमने ये किया नहीं, तो हमें वो सीखना चाहिए और वो करना भी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही विषयों को हम दोबारा फिर कभी लें और फिर इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक समझें, क्योंकि अभी वो किस्म की हम पूरी तरह व्याख्या को नहीं ले पाए हैं। नीरज जी ने कुछ विशिष्ट मुद्दे हमारे सामने रखे हैं, विषय रखे हैं, लेकिन और विस्तार पूर्वक इसको समझना होगा और गहरे से समझना होगा, ताकि हम संस्कृत शास्त्रों के आधार पर इनको हम चुनौती दे सकें और जो एक स्वस्थ मानसिकता हो सकती है, स्वस्थ समाज का एक प्रारूप हो सकता है, उसको हम पुनः स्थापित करें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सबका भी, आप सब की ओर से श्री नीरज अत्री जी का, कि जिन्होंने अपना समय निकाला और हमारे साथ ये चर्चा की।
निश्चित रूप से कई लोगों को बड़ी अजीब भी लगी होगी जो इस तरह की बात सुनने के आदी नहीं है, हमेशा एक स्कॉलरली लेक्चर सुनने के ही उसमें रहते हैं, लेकिन ये विषय हमारी चुनौतियां, इनको भी हमें देखना है। और निश्चित रूप से एक आध बार हम और कई कुछ विषय ऐसे लेंगे और नीरज जी का उसमें सहयोग रहेगा, तो हम दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। यदि कोई और अपनी बात हमारे साथ अब शेयर करना चाहता है तो कर ले। नीरज जी आप बिल्कुल मुक्त हैं, अगर आपको लगता है आपने कुछ और करना है। जी जी, सभी को बहुत धन्यवाद जी। तो मैं फिर भी चाहूंगा यदि हमारे साथ कोई अपनी बात साझा करना चाहता है तो प्लीज अभी आप कर सकते हैं। नीरज जी नहीं होंगे लेकिन आप कर सकते हैं जी। आशुतोष जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज आप कहें जी। तो ये विषय बीच में छूट गया बेसिकली, शायद समय की कमी थी और नीरज जी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे। दूसरा प्रश्न ये होता है कि आपने जो टॉपिक रखा इसको संस्कृत से और वोकिज्म को जोड़ करके, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्यों। लेकिन गोइंग बैक टू द सेम थिंग कि हमने इसका एक डायमेंशन फिजिकल देखा, एक डायमेंशन इसका मेंटल इमोशनल डायमेंशन देखा, तीसरा डायमेंशन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है राइट्स वाला डायमेंशन जो कि सोशल से रिलेट करता है। और बेशक से हमारे पास में रिसर्च हो जो कि फिजिकल और मेंटल लेवल की हमने रिसर्च की हो, जो ये बताती हो कि वोकिज्म के हेल्थ से रिलेटेड और इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या उसके इम्पैक्ट हैं, लेकिन सोशल इम्पैक्ट के बारे में रिसर्च अभी तक मुझे नहीं लगता कि कुछ है, और यदि होती तो उसको लेकर के इसे काउंटर किया जा सकता था। दूसरा कि राइट्स, सोशल राइट्स के मैटर में आते हैं और जिसमें स्टेट ये डिफाइन करता है कि इंडिविजुअल राइट्स जैसे मैरिज इज़ ए इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, और जो है उससे रिलेटेड और भी जो राइट्स निकल कर के आते हैं जो सोशल राइट्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो यदि सेम सेक्स मैरिजेस होती हैं तो वो किस तरह के राइट्स को इम्पैक्ट करती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और वहाँ जा कर के मुझे लगता है कि हम निरुत्तर हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि इसको कैसे काउंटर किया जाए, और फिर इसलिए ये एजेंडा आसानी से स्लाइड हो जाता है समाज के अंदर। जी ठीक है, आपकी एक बात का मैं जरूर उसका पक्ष लेना चाहूंगा। इस संस्कृत को इसलिए बीच में रखा है, संस्कृत के आधार पर हम इस सारे विषय को देखें और समझें, क्योंकि संस्कृत का जो संस्कृति रही है वो एक व्यवस्था रही है, सकारात्मक व्यवस्था रही है। तो कम से कम मेरी आधार भूमि तो वो है जिसके आधार पर खड़ा होकर मैं इस तरह के विषयों को देखता हूँ और देखना चाहिए भी। यदि मेरी अपनी ही कोई आधार भूमि नहीं है तो फिर तो मैं कहूंगा कि भाई वोकिज्म भी ठीक है और बाकी सब भी ठीक है, तो हर विकृति का मैं समर्थन कर दूंगा। लेकिन यहाँ जो संस्कृत से मेरा अभिप्राय है, अगर आप केवल इसको संस्कृत को जातिवादी स्त्री विरोधी नहीं समझते और उसके अतिरिक्त तो इसका एक स्वस्थ मानसिकता से अगर संबंध समझते हैं तो उसके आधार पर इसको देखना और सोचना और समझना आवश्यक है। क्योंकि और तो आप जो इवन संविधान भी आपने जो बनाया है, जैसे जिस जो कि इंडियन संविधान है, वो आपका अपना नहीं है, वो सारे विदेशों से लिए हुए मूल्य हैं। और फिर उसको आपने जब अपने भारतीयों को दे दिया और उसको कहा कि भाई अब इसको तुम लागू करो, तदनुकूल व्यवहार करो, तो कन्फ्यूजन हुआ और उसका जो है दुरुपयोग लोगों ने करना शुरू किया। तो ये उस दुरुपयोग का ही परिणाम जो है वो एक हमारे सामने उभर कर आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इस सारे विषय को रिस्पॉन्ड करने में मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को, भारतीयों को कोई संकोच करना चाहिए। आप शिखंडी का वक्तव्य ले सकते हैं महाभारत से अगर आप चाहें, आप और बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा डॉक्टर साहब, कि हमारे यहाँ पे जेंडर बेस्ड जो है वो इश्यूज ज्यादा नहीं कभी रहे। हमारा जो फोकस रहा है वो है कि हर व्यक्ति के भीतर रहने वाले फेमिनाइन एलिमेंट को जो है उसका विकास किया जाए, और हर स्त्री के भीतर रहने वाला जो मैस्कुलाइन एलिमेंट है उसका विस्तार किया जाए, ताकि एक स्वस्थ समाज विकसित हो। जब तक आप जेंडर बेस्ड बातें करेंगे तो समाज स्वस्थ नहीं हो सकता,
देते जाए राइट्स, कितने राइट्स देने से क्या समाज स्वस्थ हुआ, कितना स्वस्थ हुआ। और जब आप ये राइट्स की जब बातें करने लगते हैं तो ये हमें एक विकृति की ओर लेके जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा मेरा समझ है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लगता है कि केवल राइट्स के आधार पे आप बना सकते हैं स्वस्थ समाज, मोस्ट वेलकम। और अगर आप को लगता है कि नहीं, सिर्फ राइट्स के आधार पे नहीं, एक संस्कृति के आधार पे आपको चाहिए जहां आप मेरे अधिकारों की रक्षा करेंगे और मैं आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा, तो फिर वो स्वस्थ समाज ज़्यादा बेहतर बन सकता है या ये वाला समाज ज़्यादा बेहतर बन सकता है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली आपको राइट्स दिए गए हैं। तो वो निर्णय कर सकते हैं, अपना अपना हम चुनाव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर अरुण कुमार उपाध्याय जी इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहें तो स्वागत है। डॉक्टर अरुण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है, संक्षेप में। लेकिन भारतीय समाज को नष्ट करने का काम अंग्रेजी शासन में आरंभ हो गया था। अंग्रेजी शासन के आरंभ से ही हमारी हर व्यवस्था को उन्होंने गलत ठहराया। जातिवाद की निंदा आरंभ की, निंदा अलबरूनी ने भी आरंभ की थी, लेकिन उसने उतना झूठा नहीं लिखा था। उसने केवल यही लिखा था कि ब्राह्मण लोग अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण लोग अत्याचारी थे। और 4 साल पहले महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के बम्बई के कुलपति थे, वो तो ये भी कह रहे थे कि सुदामा ने भगवान कृष्ण पर अत्याचार किया था। ये सब कहानी कहाँ से उन लोगों ने जोड़ ली इसका पता नहीं है। और हम लोगों के यहाँ जैसे बचपन में पढ़ाया जाता था गिनती में कि 19 के न्याय 20 बार या 19-20 का फर्क कहते थे, तो धारणा थी कि थोड़ा सा कम होना चाहिए स्त्री का स्तर। लेकिन आजकल उसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर कोई स्त्री ज़्यादा पढ़ लिख गई तो अपने को पत्नी मानने से इनकार करती है, और ये भावना हो गई कि हम पत्नी बन करके क्यों रहे। और खासकर इवन जब पति पत्नी दोनों के बराबर शिक्षा भी है, तभी पत्नियों को के मन में विद्रोह आता है कि हम पत्नी का काम क्यों करें। और अधिकांश तलाक इसी कारण हो रहा है। धन्यवाद जी। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। यदि किसी और की कोई टिप्पणी है तो हम ले सकते हैं, और उसके बाद हम आज की इस चर्चा को यहीं पे पूर्ण करते हैं। और डॉक्टर साहब ने एक बड़े सुंदर प्रश्न उठाए। सर, आप अपना पूरा नाम बताएंगे एसएस के नाम से जो आप हैं? जी, मेरा नाम सुदर्शन है। सुदर्शन, बहुत सुंदर नाम है। वाकई इस वक्त विष्णु के सुदर्शन की तो आवश्यकता है ही है। चलिए, तो आज की चर्चा बेशक हमें किसी नतीजे पे या किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचा सकी हो, लेकिन हमारा बोध तो थोड़ा जागृत हुआ, हमें इस विषय की जानकारी मिली और हमारा ज्ञान थोड़ा सा व्यापक हुआ, और हम स्वयं विचार करें कि हमें इस सारे विषय को कैसे देखना, कैसे समझना और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हम संस्कृत की संस्कृति रिएक्ट नहीं करती, वो रिस्पॉन्ड करती है। तो निश्चित रूप से हम इस विषय पे करेंगे। जी संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट माय ओन ऑब्जर्वेशन इज समबडी वाज आस्किंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। दिस वर्ड टू माय नॉलेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीकन अमेरिकन जियोलॉजिकल इंग्लिश। Yes, so it has no roots in Sanskrit. No, it doesn't have. ये इसका संस्कृत से वो नहीं है, लेकिन जो हम अर्थ करते हैं वो का वो जागृत करते हैं। इतना ही था। And my observation is that LGBT rights and things like that are in Western world given thing. Nobody is objecting to that. उनका तो अब ये तो वही जाने कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इट्स नॉट जस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। आई हैव सीन माय ओन पीपल व्हेन दे गो ओवर देयर दे जॉइन देयर वर्ल्ड इंडियन एज अ एशियंस। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट में चर्च। आई हैव सीन दैट हैपनिंग। ओके, वो तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा तो विकृति की ओर तो बहुत आसान होता जाना, और वो फैसिनेट भी बड़ी करती है एंजॉयमेंट के नाम पर। लेकिन चर्च जो है,
लेकिन चर्च जो है इसको रिकमेंड नहीं करता, वो जितना मैंने पढ़ा तो चर्च जो है दे आर अगेंस्ट इट, दे आर स्टिल वेरी मच अगेंस्ट इट, लेकिन ये है कि अब चर्च की अपनी स्थिति काफी कमजोर है, और जब आप इसको इस्लामिक वर्ल्ड जो कि 53-54 हैं तो आप वहां तो बिल्कुल ही नहीं इसको लगा सकते, वो तो बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं करते। I know I did not want to discuss this, but my own experience is that I was being closely followed by a Pakistani young guy, and I only know how I had to escape from that. Okay, चलिए बात बढ़िया है, ठीक है, फिर इस पे चर्चा करेंगे, दोबारा फिर मिलते हैं इन सब विषयों पे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया, अपने ज्ञान हमारे साथ साझा किया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और इसी के साथ आप लोग ये मीटिंग छोड़ सकते हैं, थैंक यू सो मच।